नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से आगत व्यंजन के बारे में बताऊंगी कि हिंदी में आगत व्यंजन किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आइए जानते हैं आगत व्यंजन क्या है। आगत व्यंजन आगत स्वर की ही तरह अन्य भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्द हिंदी में आ जाने से कुछ नई ध्वनियां आ जाती है। हिंदी में इनके लिए वर्ण भी बना लिए गए हैं, जो इस प्रकार है। क के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है और इसका उच्चारण क करके और ख के नीचे नुक्ता लगाकर ख और ग के नीचे नुक्ता लगाकर ग, ज के नीचे नुक्ता लगाकर ज तथा फ के नीचे नुक्ता लगाकर फ, इस तरह के उच्चारण किए जाते हैं। जहां तक इनके उच्चारण का प्रश्न है, सामान्य हिंदी भाषी इन ध्वनियों के स्थान पर इनकी निकटस्थ ध्वनियां क, ख, ग, ज, फ का उच्चारण करता है, परंतु जिन हिंदी भाषियों के पास अरबी फारसी की परंपरा और ज्ञान है, वे इन ध्वनियों से बनने वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों से बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे ताक। यहाँ पर क का हिंदी के क का प्रयोग करके शब्द बना ताकना, इसका अर्थ है ताकना। ताक का अर्थ यहाँ पर हिंदी के वर्ण से प्रयोग किया गया क से ताक बनकर इसका अर्थ हुआ ताकना, और ताक इसका इसमें जब क के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो इस नुक्ता वाले शब्द का अर्थ होता है दीवार का आला, यानी सामान रखने के लिए दीवार पर जो तख्ता बनाया जाता है उसे हम ताक कहते हैं। खाना, यहाँ पर इस खाना में इसका अर्थ है भोजन। जब ख के नीचे नुक्ता लगाकर शब्द बनाया जाता है तो इस खाना का अर्थ होता है अलमारी का खाना, यानी अलमारी में सामान रखने के लिए तख्ता बना रहता है उसे हम खाना कहते हैं। राज, इस राज का अर्थ है राज्य। जब ज के नीचे नुक्ता लगाकर शब्द बनाया जाता है तो राज का अर्थ होता है रहस्य। फन, फन का अर्थ होता है सांप का फन। जब इसमें आगत व्यंजन का प्रयोग होता है, यानी फन, इसका अर्थ होता है हुनर। यानी एक ही शब्द है, जब उसके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। नुक्ता लगे हुए क, ख, ग, ज और फ, यानी पांच अक्षर हैं, इसे ही हम आगत व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद।